नमस्कार बच्चों बच्चों आज हम पाठ 14 एक ही स्वाति पाठ को पढ़ेंगे समझेंगे। तो चलिए अपनी बुक निकालिए। बच्चों एक चीज़ और कि आज मैं आपसे ज़रा ये पूछूं कि आपको क्या पता है कि छात्रावास किसे कहते हैं? नाम सुना आपने छात्रावास का? कुछ बच्चों को पता होगा कुछ को नहीं, जब मैं बताऊंगी तो शायद याद आ जाएगा। चलो मैं बता देती हूँ आपको, छात्रावास कहते हैं हॉस्टल को, है ना। कुछ बच्चों को मम्मी पापा हॉस्टल में दूसरे स्कूल में भेजते हैं, जहाँ पर बाहर भेजते हैं शहर से, वहाँ पर उन्हें हॉस्टल में रखा जाता है, वहीं पर वो पढ़ते हैं, है ना, उसको बोलते हैं छात्रावास। और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो बच्चे क्या है जूडो कराटे भी सीखते हैं। कितने बच्चे सीखते हैं? बहुत सारे सीखते होंगे। आजकल तो लॉकडाउन है तो बंद हो गए होगा, लेकिन पहले जाते थे। तो ये लोग जो है आप जो जूडो कराटे सीखते हैं, इसमें का लड़के सीखते हैं जूडो कराटे या लड़कियां भी सीखती हैं? ठीक है, शाबाश। तो आज जो है हम एक थी स्वाति के बारे में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से स्वाति जो थी नीडर भी थी, साहसी भी थी और पढ़ने में भी अच्छी थी। तो चलिए वो अपनी बुक निकालें, मेरे पीछे पीछे आपने बोलना भी है, उंगली भी रखनी है। तो ध्यान दें, पाठ नंबर 14, एक थी स्वाति। स्वाति नाम है लड़की का, एक थी स्वाति। स्वाति के गांव के स्कूल में 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई होती थी। अब जो स्वाति थी जिस गांव में रहती थी उसके स्कूल में 8वीं कक्षा तक का ही स्कूल था, वहाँ पर 8वीं कक्षा तक की ही पढ़ाई होती थी। वह पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी थी। उसने गांव के स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ली थी। अब जो है स्वाति अब पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी थी और अपने गांव के स्कूल में उसने 8वीं कक्षा तक पढ़ाई जो थी वो पूरी कर ली थी। उसे 8वीं कक्षा में प्रथम स्थान मिला था। वह कक्षा 8वीं में प्रथम स्थान पर यानी कि फर्स्ट आई थी। उसकी पढ़ाई में बहुत रुचि थी, रुचि यानी कि बहुत उसका मन लगता था, है ना, और उसकी पढ़ाई में बड़ी रुचि थी। उसकी रुचि के कारण उसके पिता ने शहर के एक स्कूल में उसे 9वीं कक्षा में प्रवेश दिलवा दिया था। तो कहते हैं कि जब उसको देखा कि उनकी बेटी जो है स्वाति पढ़ने लिखने में बड़ी होशियार है, उसको पढ़ने का बड़ा शौक़ है, तो उन्होंने उसे शहर के एक स्कूल में 9वीं कक्षा में एडमिशन दिलवा दिया था। स्कूल में छात्रावास था। अब स्कूल में क्या था? छात्रावास था, वहाँ पे ही बच्चे रहते थे, वहाँ से ही पढ़ते भी थे रहते भी थे, ठीक है। छात्रावास में स्कूल में रहकर विद्यार्थी जो है पढ़ते हैं उसको बोलते हैं। स्वाति भी छात्रावास में रहने लगी, अब हॉस्टल में वहीं पे रहने लगी। स्कूल में छात्राएं अनुशासन के साथ रहती थी। अब आपको पता है बच्चों कि स्कूल में तो अनुशासन होता ही है, लेकिन जो छात्रावास होता है वहाँ पर भी स्कूल की तरह पूरा अनुशासन होता है। स्कूल में छात्राएं जो है अनुशासन के साथ रहती थी और आवश्यकता पड़ने पर लड़कियां अपनी रक्षा आप कर सकें इसके लिए उन्हें जूडो कराटे की शिक्षा सिखाई जाती। अब कहते हैं कि जब जरूरत पड़ने पर लड़कियां जो है अपनी रक्षा कर सकें, इसलिए लड़कियों को नीडर बनाने के लिए, साहसी बनाने के लिए उन्हें जूडो कराटे भी सिखाया जाता था वहाँ पर, है ना। लड़कियां बहुत ध्यान से जूडो कराटे सीखती थी। स्वाति को जूडो कराटे सीखने में बहुत आनंद आता था, मज़ा आता था उन्हें। आनंद करते क्या है? मज़ा आना, कि स्वाति को जूडो कराटे सीखने में बड़ा मज़ा आता था। कुछ दिन के अभ्यास में वह जूडो कराटे की अच्छी खिलाड़ी बन गई। कहते कि कुछ समय के तक उसने अभ्यास किया, अच्छे से जूडो कराटे करती खेलती थी तो एक अच्छी खिलाड़ी बन गई। छात्रावास में प्रतिदिन सोने से पहले छात्राएं सभा भवन में इकट्ठी होकर गायत्री मंत्र का पाठ करती थी। बच्चों एक चीज़ और आपको बताऊं कि जो छात्रावास होते हैं हॉस्टल होते हैं वहाँ पर अनुशासन में रहना पड़ता है और वहाँ पर जो है शाम के समय
सब बच्चे अपने रूम में से बाहर आ जाते थे, बेल बजती है और सब बच्चे बाहर आ जाते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे स्कूल में प्रेयर होती है, ऐसे ही वहाँ पर भी प्रार्थना होती है और सब इकट्ठे होकर सभा भवन में गायत्री मंत्र का जाप करते थे, है ना। और फिर अटेंडेंस भी होती है सबकी, रोल कॉल ली जाती है और इसके बाद उन्हें निडर और साहसी बनने की शिक्षा दी जाती है। और उसके बाद जो है उन्हें साहसी और निडर बनने की शिक्षा दी जाती थी। अन्य लड़कियों की तरह स्वाति बहुत ध्यान से सारी बातें सुनती थी। उसका मन भी जो है, उसका दिमाग जो है बड़ा तेज़ था और बच्चों की तरह वो भी सारी बातें बड़े ध्यान से सुनती थी। प्रतिदिन की ऐसी शिक्षा के कारण उसके अंदर आत्मविश्वास भर गया था कि अपने ऊपर उसे भरोसा होने लगा था, आत्मविश्वास भर गया था उससे में। दशहरा अवकाश, अवकाश होता है छुट्टियों के दिनों में, वह अपने घर गई। जब छुट्टियाँ हुई, दशहरे की छुट्टियाँ होती हैं ना, दिवाली की, दशहरे की, गर्मी की और सर्दी की, ऐसे दशहरे की जब छुट्टियाँ हुई तो जो स्वाति थी वो भी अपने घर छुट्टियों में गई। एक दिन उसके माता पिता और छोटे भाई बहन एक संबंधी के यहाँ विवाह में गए। आप कहते हैं कि उसके माता पिता और छोटा बहन भाई जो है किसी रिश्तेदार के घर विवाह में गए हुए थे। घर में स्वाति, उसके दादा दादी, घर में क्या था, घर में स्वाति और उसके दादा दादी ही थे। आधी रात हो चुकी थी, स्वाति को नींद नहीं आ रही थी। उसके दादा दादी गहरी नींद में सोए हुए थे। उसे घर के आंगन में कुछ आहटे सुनाई दी, आहटे होती हैं आवाज़ें। तो कहता है कि उसकी जब दादा दादी थे और स्वाति थी, आधी रात के समय हो चुकी थी लेकिन स्वाति को नींद नहीं आ रही थी और उसने देखा कि उसके दादा दादी जो हैं वो गहरी नींद में सोए हुए हैं। तभी उसको घर के आंगन में कुछ आहटे सी आवाज़ें सुनाई देने लगी और उससे संकट का आभास हुआ। आभास का अर्थ होता है संकेत, है ना, कि उसको ऐसा लगा कि कुछ है गड़बड़, कोई है घर के अंदर। वह घबराई नहीं लेकिन उसने साहस नहीं छोड़ा, वह घबराई लेकिन उसने साहस नहीं छोड़ा। कहते कि घबराना तो उचित था लेकिन उसमें भी उसने हिम्मत रखी अपनी, घबराने के बाद साहस नहीं छोड़ा और वह संकट से बचाव का रास्ता सोचने लगी कि अगर कोई होगा तो किस प्रकार से वो अपनी रक्षा कर सकती है, उसके बारे में सोचने लगी। उसकी दृष्टि एक कोने में रखे गैस के सिलेंडर पर टिक गई। कहते कि तभी उसकी जो निगाह थी, दृष्टि होता है नज़र, उसके एक कोने में रखे हुए गैस के सिलेंडर पर टिक गई। उसमें खेतों में छिड़काव करने वाली विषैली गैस भरी थी। कहता कि उसके अंदर जो है, आपको पता होगा बच्चों, खेतों में भी गैस छिड़की जाती है ताकि जो खेतों में क्या है, कीट पतंगे आ जाते हैं या छोटे छोटे जो है कीड़े मकोड़े आ जाते हैं तो उनको मारने के लिए दवाई छिड़की जाती है। तो उसका सिलेंडर पड़ा हुआ था तो उसकी जो विषैली गैस, उसके अंदर विषैली गैस थी, विषैली होता है जहरीली। उसने दिन में ही अपने पिता से इसके छिड़काव के विषय में पूछा था। कहते कि उसके विषय में जो गैस के बारे में उसने सुबह ही अपने पिता से पूछा था। उसके पिता ने विधि बताते हुए कहा था, उन्होंने बताया था कि क्या इसकी विधि है छिड़कने की, कि इसको क्यों छिड़का जाता है और इसका क्या असर होता है। तो वायुमंडल में इसकी मात्रा बढ़ने से उसमें सांस लेने वाला व्यक्ति मरेगा नहीं तो बेहोश अवश्य हो जाएगा। अब उन्होंने बताया था कि इसकी ये जो गैस जब छिड़की जाती है तो सारा ही अगर जगह पे फैल जाती है, उससे क्या है कि व्यक्ति जो है सांस लेने में उसको मुश्किल आती है और कई बार तो वो जो है मर भी जाता है। हो सकता है अगर नहीं मरेगा तो उसको सांस लेने में दिक्कत आएगी तो बेहोश भी ज़रूर हो सकता है। तो उसे गैस के छिड़काव से बचाव का रास्ता दिखाई दिया। अब उसे जो है वो बात याद आई, उसने गैस के छिड़काव में ही अपने बचाव का रास्ता उसको दिखाई देने लग गया और उसने अपने मुंह पर छिड़काव के समय लगाया जाने वाला सुरक्षा मुखौटा लगाकर पीठ पर सिलेंडर टांग लिया। अब क्या किया उसने, उसने अपने मुंह के छिड़काव के करने से पहले जो है मुखौटा डाला जाता है ताकि नाक मुंह सब बंद हो जाएं, है ना, और सांस के लिए बस एक नाक खुला रहता है ना, आँखों पर भी चश्मा सा लग जाता है। तो उसने मुखौटा डाला और पीठ पर अपने सिलेंडर टांग लिया और इस प्रकार से उसने क्या किया, अपने बचाव करने लगी। तो बच्चों आज जो है हम यहीं तक ही पढ़ेंगे, कल इससे आगे पढ़ेंगे।
लेकिन इसमें बहुत सारे जो है हमारे कठिन शब्द आए, जैसे कि नीचे दिए हुए आहटे, आहटे होती हैं पैरों की खड़खड़ आवाज़ आना, और आभास का अर्थ क्या है, संकेत। यहाँ पे दृष्टि आया था एक शब्द, दृष्टि का अर्थ होता है निगाह, है ना, दृष्टि पड़ी। तो इस प्रकार से हमने आपको, आत्मविश्वास होता है अपने ऊपर विश्वास करना, है ना। तो इस प्रकार से मैंने तुम्हें यहाँ पे साथ साथ मैंने शब्दों के अर्थ भी बताए और साथ में समझाया भी है। तो आपने आज जो है क्या करना है, इस पाठ को पढ़ने का प्रयत्न करना है और कठिन शब्दों को याद करने की भी कोशिश करोगे, जो जो मैंने बीच में बताए हैं और नीचे लिखे हुए शब्दों के शब्दार्थ आपने याद करने। तो कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।